तो आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मनुस्मृति ने क्या किया, उसने वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बनाया, दूसरा ब्राह्मणों को गैर ब्राह्मणों से अलग किया, तीसरा अंतर जातीय विवाह पर रोक लगाई और अंतर जातीय सहभोज पर रोक लगाई। ये चार काम मनुस्मृति ने किए और जबरदस्ती किए, इसके समर्थन में जो भी नियम बनाने पड़े, चाहे वो वेद हो अवेद हो, नैतिक हो अनैतिक हो, हर प्रकार के नियम मनुस्मृति ने बनाए इन चीजों को प्रस्थापित करने के लिए। तो इसका परिणाम क्या हुआ, इसके परिणामों के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर चर्चा करते हैं और चर्चा करके वे इसके परिणाम बताते हैं कि इसका परिणाम हुआ कि समाज में गैर सामाजिक भावना और समाज विरोधी भावना का निर्माण हुआ। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, गैर सामाजिक भावना और समाज विरोधी भावना का निर्माण होना। अब इसमें गैर सामाजिक भावना के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि यदि किसी समाज में अलग अलग वर्ग है, किसी समुदाय में अलग अलग वर्ग है, उनका आपस में एक दूसरे से संबंध भी है, लेकिन संबंध होने के बावजूद वे एक दूसरे के हितों का ख्याल नहीं रखते हैं, तो इसे गैर सामाजिक भावना कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए छोटे स्तर पर अगर देखा जाए तो एक परिवार है, एक परिवार में बड़े भाई का परिवार है, मंझले भाई का परिवार है, सबसे छोटे भाई का परिवार है। अब ये तीनों एक ही परिवार के लोग हैं, लेकिन बड़ा भाई अलग जगह रहता है, मंझला अलग जगह रहता है और तीसरा जो भाई है छोटा भाई वो अलग जगह रहता है। तो तीन अलग अलग घर हो गए, परिवार एक ही है, आपस में भाई का संबंध है, लेकिन बड़ा भाई ना मंझले भाई के हित के बारे में सोचता है, ना छोटा भाई बड़े भाई के हित के बारे में सोचता है, ना मंझला भाई छोटे भाई के हित के बारे में सोचता है। अब तीनों एक ही घर के लोग हैं, तीनों आपस में भाई है, लेकिन एक दूसरे के हित के बारे में वो किसी प्रकार की कोई भावना ही नहीं रखते कि मेरे भाई के घर में क्या चल रहा होगा, वो अच्छे से रह रहा होगा नहीं रह रहा होगा, उसको भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो सुख में है दुख में है, कोई लेना देना नहीं। तो ये जो भावना जो निर्माण होती है, या अपने भाई के प्रति इस तरह की अगर भावना है कि उसके सुख दुख का भी हालचाल अगर भाई नहीं पूछ रहा है, तो इसे गैर सामाजिक भावना कहते हैं। तो इस गैर सामाजिक भावना के बारे में बाबा साहब ने कहा कि इस मनुस्मृति ने क्या किया, इस मनुस्मृति ने गैर सामाजिक भावना का निर्माण किया। तो दूसरा है समाज विरोधी भावना। तो समाज विरोधी भावना के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यदि किसी समाज में अलग अलग वर्ग है और वे एक दूसरे के हित के बारे में ख्याल नहीं रखते हैं, तब इसे समाज विरोधी भावना कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दो अलग अलग जाति के लोग हैं और उसमें से किसी एक जाति के ऊपर अन्याय होता है, तो दूसरे जाति का व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे जाति के ऊपर तो अन्याय नहीं हुआ, वो तो उस जाति के आदमी के ऊपर हुआ, उनके साथ में हुआ, वो देखते बैठेंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसे समाज विरोधी भावना कहा जाता है। जैसे मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ, तो दूसरे जाति के लोग ये सोचेंगे कि ये तो वाल्मीकि जाति की लड़की के साथ में ये ऐसी घटना घटी, तो हम उसमें क्यों शामिल, हमारा उससे क्या लेना देना। यही गोहाना में जो कांड हुआ, उसमें अन्य जाति के लोग सोचेंगे कि हम क्यों इसमें साथ दे। राजस्थान में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, तो वो जिस जाति का था उस जाति के लोग उस अन्याय के खिलाफ में लड़ेंगे, और दूसरे जाति के लोग सोचेंगे कि ये तो उस जाति का मामला है, उस जाति के साथ में ऐसा हुआ, हमारी जाति के साथ तो हुआ नहीं, तो फिर हम काय के लिए उनके हित के लिए लड़ाई लड़े। तो जब ऐसी जो भावना निर्माण होती है, इसे समाज विरोधी भावना निर्माण समाज विरोधी भावना कहते हैं। और ये समाज विरोधी भावना जो निर्माण हुई, उसका कारण मनुस्मृति, ये बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है। तो एक तो गैर सामाजिक भावना निर्माण हुई, दूसरा समाज विरोधी भावना निर्माण हुई, मनुस्मृति के दो गंभीर परिणाम समाज में, इस समाज व्यवस्था में दिखाई देते हैं।